इंडियन आइडल सीजन 13 में पिछले कई हफ्तों से नेहा कक्कर को मिस किया जा रहा है। नेहा कक्कर की मौजूदगी शो में चार चांद लगाती है। अगर आप शो को करीब से देख रहे हैं तो पाएंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से नेहा कक्कर शो में नजर नहीं आ रही हैं। विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया के साथ नेहा कक्कर के न दिखने से फैंस मायूस है। सभी हैरान है कि नेहा कहां गायब है। इसके साथ ही सबके मन में ये सवाल भी है कि क्या पिछली बार की तरह नेहा ने फिर से शो को बीच में ही छोड़ दिया। नेहा कक्कर की मौजूदगी को लेकर परेशान होने वाले फैंस के लिए राहत की बात ये है कि वो ठीक है। नेहा इंडियन आइडल में इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि वे म्यूजिक कॉन्सर्ट में बिजी थी। नेहा के इंस्टा पोस्ट से उनके बारे में सभी तरह की अपडेट्स ली जा सकती है। बताया जा रहा था कि नेहा कक्कर न्यू ईयर को लेकर कॉन्सर्ट में काफी व्यस्त थी, मगर अब न्यू ईयर के सेकेंड वीक में भी नेहा शो में दिखाई नहीं देंगी। सोनी टीवी के लेटेस्ट प्रोमो के अनुसार नेहा इस हफ्ते भी शो से नदारद रहेंगी। ये बात फैंस के लिए काफी निराश करने वाली है। वहीं खबर ये भी है कि नेहा प्रेग्नेंट होने की वजह से शो से गायब है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। नेहा चाहे इंडियन आइडल के मन से नदारद है, पर सोशल मीडिया पर फैंस को पूरी तरह से एंटरटेन कर रही है। नेहा के रील्स वीडियो फैंस के बीच वायरल रहते हैं। इंस्टा पर उनके कॉन्सर्ट के वीडियोस छाए हुए हैं। उनके कॉन्सर्ट के वीडियो फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। नेहा कक्कर कई सालों से इंडियन आइडल से जुड़ी हुई हैं। नेहा कक्कर कभी इस शो की कंटेस्टेंट थी और अब इसकी जज है। नेहा इंडियन आइडल के कई सीजन को जज कर चुकी है। नेहा के स्टारडम हासिल करने की जर्नी इंस्पायरिंग है। नेहा की ह्यूमैनिटी और उनके क्यूट अंदाज को फैंस बेहद पसंद करते हैं। वो शो में चार्म ऐड करती हैं। हालांकि नेहा कई दफा इमोशनल भी होती है, उनके रोने का मजाक भी बनता है, पर कुछ भी कहे नेहा शो की जान है। नेहा कक्कर सिंगिंग की दुनिया में टॉप की सिंगर्स में से एक है। उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं, इसके साथ ही उनके म्यूजिक वीडियो को भी खूब प्यार मिलता है। उम्मीद जताई जा रही है कि नेहा जल्द ही शो में वापस लौटेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे म्यू गोल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।